हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। बीते दिन कैप्टेंसी के टास्क के दौरान रोहन और स्वामी ओम में हुई झड़प, जिसके तहत रोहन ने अपना आपा खो दिया और स्वामी ओम को पीछे से आकर धक्का दिया। स्वामी ओम ने रोहन पर इल्ज़ाम लगाया कि रोहन के धक्का मारने से उनके कान में चोट लग गई और इसलिए उन्हें एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जिसके लिए उन्होंने बिग बॉस से रो रो कर कहा कि उनके कान का चेकअप करवाया जाए। बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में डॉक्टर को बुलाकर उनका चेकअप भी करवाया और आगे की जांच के लिए उन्हें घर से बाहर भेजा। कुछ देर के लिए घर में शांति का माहौल था क्योंकि स्वामी ओम घर में नहीं थे, लेकिन सबको मालूम था कि ये शांति ज़्यादा देर के लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी ओम एक बार फिर घर में वापस आए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ लाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार। स्वामी ओम अपने साथ लाए हैं एक छाता और पूरे घर में उसे ले लेकर घूम रहे हैं। इससे पहले भी जब स्वामी ओम घर में आए थे तो अपने साथ चम्मच रखा करते थे और उनका कहना था कि वो बाकी घर वालों से बचने के लिए इन चम्मचों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, स्वामी ओम की हर रोज़ एक नई नौटंकी देखने को मिलती है। कभी उनका घर वालों से रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना, तो कभी उनकी भूख हड़ताल, कभी टॉयलेट में सेब छुपाकर खाना, तो कभी किसी पर उल्टे सीधे बातों का वार करना। स्वामी ओम, तेरी लीला न्यारी है, दिखने में तो तू एक है पर 100 लोगों पर भारी है। दोस्तों, क्या बिग बॉस को स्वामी ओम पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय ज़रूर दे कमेंट करके। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे बिग बॉस के घर की कुछ नई खबरों के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।